जदों तक करफ्यू सी ना कोई लूट ना कोई चोरी ना कोई कतल ते ना कोई झगड़ा सामने आया। करफ्यू खुलदे ही पंजाब च अफरा तफरी मच गई, चारे पासे गुंडागर्दी सामने आई, फिर तो अपराधिक मामले सामने आने शुरू हो गए। हालांकि लॉकडाउन चल रहा है, पर यह लॉकडाउन सिर्फ ना दा ही लॉकडाउन है। इस दौरान क्राइम दे नाल जुड़े हुए लोगों का हौसला इस कदर बुलंद हो गया है कि वह शरेआम लोगों नूं पिस्टल की नोक ते डरा धमका लुट कर रहे ने। जी हाँ, अजिहा ही एक मामला सामने आया जलंधर चो, जिथे जलंधर के ना सिनेमा के नज़दीक एक नौजवान वालों नकली पिस्टल दिखा के शोरूम के मालिक तो जबरदस्ती पैसे मंगे गए। यह सारी घटना उत्थे लगे सीसीटीवी कैमरे च कैद हो गई। दो लड़के आए थे, दो चार पांच शॉप से गए, उन्होंने गलत तरीके से पेमेंट मंगी है, जो तरीका गलत सीगा ते असीं उन्हें खिलाफ एक्शन ले रहे। किस कौन मुंडे है, किस चीज की पेमेंट मंगी? कुछ नहीं, उत्थे आए कहिंदे मैं थोड़ी जिहा प्रॉब्लम हैगा वा, मेरे तो एक दो केस चलते हुए, मैं उन्हें सॉर्ट आउट करना। नहीं, मेरे नॉन तो नहीं थे, तो बाजार से सीखे जी इतने बंदे। हाँ जी, हाँ जी, सर वापरे कुछ इतने बैठे थे, तो लड़का कहता जी मैनू पेमेंट चाहिए है। अच्छा। मैं उन्होंने कहा दस की गल, किस गल की चाहिए है, कहना मैं प्रॉब्लम से है। चार पाँच दुकान के गए सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, सब कुछ हो चुका। घटना के शिकार हुए शोरूम के मालक वालों दसिया गया कि वह वार वार कह रहा है कि वह किसी प्रॉब्लम च है, जिस करके उसनू पैसे चाहिए ने। फिलहाल पुलिस ने इस घटना के बाद शोरूम च लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार उत्ते अली मुहल्ले के रहने वाले आरोपी राहुल नू गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उस कोलों 4000 रुपए ते एक नकली खिडौना पिस्टल भी बरामद हुई। रोड से एक वारदात रिपोर्ट की थी, कंप्लेनेंट का नाम मिस्टर दिनेश कुमार है। ये कला मंदिर वेडिंग अपार्टमेंट्स से इन्हों की दुकान है। इन्हों की कंप्लेन सी कि दो बंदे इन्हों की दुकान पर आए सी, ये दुकान में आके इन्होंने 10000 रुपए की मांग की थी। और इन्हों मांग करते दौरान इन्होंने अपना एक पिस्टल कढ़िया और पिस्टल कढ़ के टेबल पर रख दिता। टेबल पर रखने के दौरान इन्होंने ये दसिया कि जी मेरे ऊपर दो पर्चे पहले तो ही दर्ज हैं, इस करके तू मैं 10000 रुपये दे दे। तो दिनेश कुमार जी ने यदि गल सुनते हुए और पिस्टल देखते हुए इन्हू 5000 रुपये दे देते हैं। इस अलावा ये बंदा ये एक और बंदा सी, ये दोनों उत्थे से निकल के जड़ी और दुकाने हैं वो ब्रांडर रोड पर उत्थे भी गए। उनमें से एक है अरमान वेडिंग मॉल गणपति साड़ी, उतों जाके भी अरमान वेडिंग मॉल से इन्होंने 3000 रुपये वसूल किए, फिर ये वहाँ से फरार हो गए। कमिश्नरेट पुलिस ने श्री गुरप्रीत भुल्लर सर जोड़े IPS हैं, उन्होंने अगुवाई में ACP हरसिमरत और SHO रशपाल ने बहुत ही वधिया काम किया है। विदिन 24 आवर्स ये जोड़ा बंदा हैगा राहुल अली मोहल्ले का रहने वाला है, 28 साल उम्र है यदि, इन्हों राउंडअप किया है। नाल इससे रिकवरी भी 8000 रुपये जो इसने वसूल किए हैं वो भी रिकवर हो गए हैं, और जामा तलाशी से 4000 रुपये और बरामद होते हैं। ये जोड़ा बंदा है राहुल, ये पहले से ही क्रिमिनल हिस्ट्री है यदि, इससे पहले इसके ऊपर 324 का पर्च दर्ज होया सी, और नाल ही नाल ये ऊपर 2012 तथा 2018 से 307 के पर्चे भी दर्ज हैं। सो ये जलंधर कमिश्नरेट पुलिस ने बहुत ही वधिया काम किया है। विदिन 24 आवर्स जो बंदे को राउंड अप करके जो लोगों ते ना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है, ये बहुत ही अच्छा है, थैंक यू। और इसके अलावा ये जो पिस्टल की गल कर रहे थे, वो पिस्टल ये खिलौना पिस्टल है, तुसी देख सकते हो ये मैनू लाइटर जैसा लगता है कि लाइटर हैगा, और ये पिस्टल देखने से दूर से जरूर लगता है कि ये पिस्टल असली है, पर हैगा ये खिलौना पिस्टल है जो लाइटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। Face mask manufacturer, factory capacity 500,000 mask per day. 2 and 3 ply disposable face mask. 3 ply disposable face mask with nose wire. RN95 respirator face mask, adjustable nose piece for ultimate comfort. For bulk order and more information, www.risely.org.